बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताया। सजीव वाजेद जॉय ने कहा कि मेरी मां की जान बचाने के लिए मैं प्रधानमंत्री द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को मेरा संदेश, मेरी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के लिए उनका व्यक्तिगत आभारी हूँ। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। साथ ही कहा कि भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए। Prime Minister Modi also, when he spoke to Muhammad Yunus, he did mention about to save Hindus as well, which are being attacked there in Bangladesh. Your views on that, sir? That is inevitable. There, in the history of Bangladesh, there has been one government and one government only that has proven itself to keep the minorities of Bangladesh safe and keep Bangladesh safe from all militancy and violence. That was Sheikh Hasina. That was the Awami League. This is proven record in history. No one can argue that. So the last 15 years were the safest period in Bangladesh's history for minorities, for Bangladesh itself, and it was also the period of the highest economic development and growth. Even those who are criticizing Sheikh Hasina cannot deny it. So right now, are these is this non-elected government that does not have the support of almost the entire population of Bangladesh, that has no popular mandate, are they going to be able to keep the minority safe? You're already seeing the results. The minorities are trying to flee the country. I am worried about them. I, from the Awami League, I want to do what I can to keep the minorities safe, to restore law and order to Bangladesh, to bring back democracy. That is our goal. और खबर नोएडा से है। पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में शातिर तस्कर अरमान और सगीर घायल हो गए हैं। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस और साथी गोकशी का सामान भी बरामद हुआ है। थाना जाड़सा क्षेत्र का मामला है। हरदोई में पुलिस ने एनकाउंटर में एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। 30 जुलाई की शाम वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस को बदमाश की तलाश थी। पुलिस ने 25,000 का इनामी शूटर लल्ला महावत को गिरफ्तार किया है। इस मर्डर केस में पुलिस पहले ही सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, वीरे समेत 4 पार्टनर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। और जालौन में बदमाशों के गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के मगरोल रोड का है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश लूट की वारदातों में शामिल थे। पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्टल, कारतूस, बुलेरो कार, मोटरसाइकिल बरामद की है। और बांदा में बारिश की वजह से शिवरामपुर संपर्क मार्ग में धोवर नाले पर बना रपटा बह गया। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद ने दौरा किया और इसको लेकर डीएम से शिकायत भी की है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। विशंबर निषाद ने जल्द निर्माण की मांग भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। आज सुबह सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। जनता दर्शन में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर गोरखपुर पहुंचे और सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को जाना, अधिकारियों को निर्देश भी दिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से। ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे, लोगों की समस्याओं को जाना और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए। तो लोग दूर दूर से पहुंचते अपनी समस्याओं को लेकर और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाता है। सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मिल्कीपुर के फार्मेसी कॉलेज में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी चारों प्रभारी मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे और जीत के लिए रणनीति बनाएंगे।
उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी के बड़े नेता आज दौरे पर रहेंगे और महामंत्री संगठन धर्मपाल गाजियाबाद के खैर पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कुंदरकी का दौरा करेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करहल और शीशामऊ जाएंगे। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। खबर है कि बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। तो बाय इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे, जनता को बीजेपी की उपलब्धियों को बताएंगे और साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील भी करेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर के दौरे पर रहेंगे और ब्रजेश पाठक करहल का दौरा करेंगे।